अमेठी में प्रेमी प्रेमिका ने दी एक दूसरे की बलि, एक दूसरे का काट दिया गला। मौके पर ही प्रेमिका ने तोड़ा दम, प्रेमी लड़ रहा है जिंदगी से जंग। इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस आग के दरिया में जो डूब नहीं पाया वो या तो खुद को खत्म कर लेता है या तो इश्क में रोड़ा बनने वाले को ही खत्म कर देता है। ऐसी खबरें तो आजकल आम हो गई हैं, लेकिन रोड़े को हटाने का तरीका लगातार अजीबोगरीब होता जा रहा है। जैसे अमेठी में हुआ, यहाँ प्यार मुकम्मल ना होने का जब अंदाजा हुआ तो प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे का गला ही काट दिया। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। बिल्कुल सही सुना आपने, अमेठी में एक प्रेमी और प्रेमिका को जब ऐसा लगा कि उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा तो फिर उन्होंने एक दूसरे का गला काटा और इस दुनिया को अलविदा कहने का फैसला ले लिया। ये पूरा मामला अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र में मौजूद राम शाहपुर का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले दो पड़ोसी हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों के घर बिल्कुल बगल बगल ही हैं। इनके बच्चे साथ में बड़े हुए, दोस्त बने और उम्र के साथ साथ इन दोनों की दोस्ती पता नहीं कब प्यार में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त जब धूप थोड़ी कम हुई तो इन दोनों के पिता गेहूं काटने के लिए खेत चले गए। इसके बाद शाम को संजय ने कविता को अपने घर पर बुलाया और इन दोनों ने एक दूसरे का गला काट दिया। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7 बजे संजय अपना गला पकड़कर घर से बाहर निकला और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पास में एक महिला ने संजय को ऐसे खून से लथपथ तड़पते हुए देखा तो बहुत जोर से चीखी। महिला की चीख सुनकर आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए और कमरे में देखा तो चारपाई पर कविता का खून से लथपथ शव पड़ा था। पास में ही खून से सना हुआ एक चाकू भी पड़ा था। इन गांव वालों ने ही संजय को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर किसी ने पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी। मौके पर एसपी सहित कई अधिकारी पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। कविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और संजय को लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामले पर एएसपी हरेंद्र सिंह ने बताया कि जिस तरह से लड़की का शव मिला उसे देखकर साफ अंदाजा लग रहा है कि पहले संजय ने कविता का गला काटकर उसकी हत्या की है और फिर उसके बाद खुद का भी गला रेत कर आत्महत्या की कोशिश की। आज मुसाफिरखाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रामशाहपुर में संजय मामा के युवक, जिसकी उम्र लगभग 23 साल है, उसके द्वारा एक 18-19 वर्षीय युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई है तथा स्वयं भी अपना गला रेत कर आत्महत्या का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर युवती के सब को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। घायल युवक को केजीएम में रेफर किया गया है। प्रकरण में तहरीर लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल संजय का इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।